हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करेंगे, J&K के आर्ट एंड क्राफ्ट की हम बात करेंगे, जो हमारे एक कल्चर का ही पार्ट है। एंड इट्स आई थिंक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ J&K के कल्चर का, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, कश्मीर की सबसे पहले हम बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले कश्मीर की बात करेंगे। इसका जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो काफ़ी फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। क्यों? यहाँ का जो ब्यूटी है कश्मीर की, काफ़ी पूरे बाहर से लोग यहाँ पे कश्मीर में टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, आपको पता है। यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, इसका आर्ट एंड क्राफ्ट जो है, लोग जो है, जब टूरिस्ट आएंगे तो काफ़ी सेल होगी, जो भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स होंगे उनकी काफ़ी सेल होगी। और इन हैंडमेड प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स। तो काफ़ी जो है हैंडीक्राफ्ट्स जो है कश्मीर के, उससे काफ़ी हमारी जो J&K की इकोनॉमी बूस्ट होती है। इसका मतलब क्या है, जब टूरिस्ट आते हैं दे बाय आर हैंडीक्राफ्ट्स, जो भी हाथ की कारीगरी होती है, हाथ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो खरीदते हैं, इससे हमारी इकोनॉमी ऑब्वियसली बूस्ट करेगी। और कौन कौन से आर्टिकल्स बनाए जाते हैं कश्मीर में, वूलन टेक्सटाइल, वूल के कुछ कपड़े बनाए जाते हैं, फिर वीविंग की जाती है उनकी, कुछ कारपेट बनाए जाते हैं, फिर पेपर मैशी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसका भी डिज़ाइंस वगैरह बनाए जाते हैं। वुड वर्क, लकड़ी की कारीगरी, लकड़ी पे भी काम किया जाता है। सिल्वरवेयर, सिल्वर के भी कुछ बर्तन बनाए जाते हैं, और उसमें जो क्राफ्ट्समैन है काफ़ी डिज़ाइन करते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा है शॉल्स। अगर हम शॉल की बात करें, जो हमारे कश्मीर टेक्सटाइल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो फर्स्ट हमारा है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल जो है वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। और ये कहाँ से बनाया जाता है, ये हमारे स्मूथ फ्लीसी वूल। स्मूथ फ्लीसी वूल का क्या मतलब है, बहुत ही सॉफ्ट वूल, जो केल गोट की वूल से ये बनाया जाता है हमारा पश्मीना शॉल। और ये कहाँ पे ज़्यादा बनाया जाता है कश्मीर में, हमारे सिटी ऑफ श्रीनगर में। दिस वॉज ऑल अबाउट पश्मीना शॉल। नेक्स्ट वी हैव जमावर शॉल्स। जमावर शॉल्स जो हैं ये काफ़ी रेयर हैं, ये ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, काफ़ी रेयर हैं और ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, और ये बाकी शॉल से अलग है। नेक्स्ट कनी शॉल, ये काफ़ी सुंदर है दिखने में, और इसको स्पेशल वुडन थ्रेड से बनाया जाता है, और उस स्पेशल वुडन थ्रेड को हम क्या कहते हैं, कनिस, कश्मीर में इसको हम कनिस कहते हैं। तो ये कनी शॉल हो गए हमारे। नेक्स्ट रिंग शॉल, रिंग शॉल को शातोश भी बोलते हैं, और ये भी काफ़ी स्मूथ होते हैं, शाइनी होते हैं। इसको रिंग शॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिंग से इजिली पास हो जाते हैं, ये स्लीक होते हैं, स्लीक मतलब स्मूथ और शाइनी, स्मूथ मतलब सॉफ्ट, शाइनी मतलब चमकदार, ऑलराइट। तो ये रिंग से भी पास हो जाते हैं, इनको शातोश भी बोलते हैं। ये रिंग शॉल हैं, ये भी काफ़ी फेमस हैं। अगर हम शॉल इंडस्ट्री की बात करें, शॉल इंडस्ट्री रीऑर्गेनाइज की थी मुगल्स ने। शॉल को इंट्रोड्यूस किसने किया था, जो हमारा शॉल है कश्मीर में, वो हमारे ज़ैनुल अबिदीन, जो हमारे बुदशाह हैं, मुस्लिम रूलर, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन जो इंडस्ट्री है वो किसने रीऑर्गेनाइज की थी, मुगल्स ने। मुगल में हमारे कौन है, अकबर, उनके जो सक्सेसर जो आए थे उनके बाद, उन्होंने काफ़ी शॉल्स जो हैं वो यूज़ करते थे। तो शॉल्स में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट इज पश्मीना शॉल, नेक्स्ट जमावर शॉल्स, कनी शॉल्स, रिंग शॉल्स, एंड शॉल की इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज किया बाय मुगल्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कारपेट्स। ये भी कारपेट जो है, इनको भी बनाया जाता है कश्मीर में। सबसे पहला हमारा है द गाबा, ये एक फ्लोर कवरिंग है। कारपेट क्या होता है, फ्लोर को कवर करने के लिए, है ना, जमीन को कवर करने के लिए। ये किससे बनाया जाता है, जो पुराने वूलन, जो ऊन होती है ना पुरानी, उसको यूज करके बनाया जाता है, और इसको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है नमदा। नमदा भी कारपेट है, ये रग होता है, इसका मतलब क्या है, आधे फ्लोर को ये कवर करता है, पार्शली कवरिंग फॉर फ्लोर, मतलब आधे फ्लोर को ये कवर करता है। और इसमें वूल को बिटन, वूल को बिटन मतलब वूल को पहले हिट किया जाता है काफी, देन इसको बनाया जाता है नमदा कारपेट को। फिर इसमें एम्ब्रॉयडरी की जाती है, इसमें काफी डिजाइन बनाए जाते हैं, धागे को यूज करके, नीडल को यूज करके इस पे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, इसमें नमदा में, गाबा एंड नमदा। नेक्स्ट वी हैव चेन स्टिच रग, ये भी एक कारपेट है, ये इकोनॉमिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो बेस है इसकी वो हेशियन क्लॉथ, जो बेस है वो कौन सी यूज की जाती है यहाँ पे,
हेशियन क्लॉथ की जो बेस हेसियन क्लॉथ यूज की जाती है उसके ऊपर जो वूल है वो काफी कोर्स होती है, जो हार्श और रफ होती है वूल, इसलिए ये इकोनॉमिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है इकोनॉमी पैसा कमाने के लिए। और इस पे डिजाइन फ्लावर डिजाइन किए जाते हैं, मोटिव्स लगाए जाते हैं इस पे, इसमें अलग अलग पैटर्न लगाए जाते हैं। आप इसको गूगल में इसकी इमेजेस सर्च कर सकते हैं, उससे काफी आपको माइंड में रिटेन होंगी कि सारी जो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट है इनकी हर एक जो इमेजेस हैं आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कश्मीर में। एम्ब्रॉयडरी जो होती है कश्मीर की उसको हम कसीडा बोलते हैं। आई हैव मार्क द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। कसीडा बोलते हैं इनको, ये काफी पूरे वर्ल्ड में फेमस है इसकी एम्ब्रॉयडरी। और इसका जो तिला वर्क है वो भी एक स्टाइल है एम्ब्रॉयडरी का। तिला वर्क जो है उसको जरी थ्रेड से किया जाता है, जरी जो थ्रेड है, जारी जो थ्रेड है उसको तिला थ्रेड भी कहते हैं। और इसमें किसकी जरी की जाती है, गोल्ड और सिल्वर की जरी की जाती है। और शॉल्स को, साड़ीज को डेकोरेट किया जाता है तिला वर्क से। और ये काफी जो है इसका क्रेज कब से आया है तिला वर्क का, जब जो हमारे अमेरिकन एंकर है ओपरा विनफ्रे को जब देखा गया था ब्लैक तिला साड़ी में, तब से इसका कुछ ज्यादा ही क्रेज हो गया किसका, तिला वर्क का। तो ये एम्ब्रॉयडरी के बारे में था हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है वुड कार्विंग। अब लकड़ी की भी कारीगरी की जाती है। क्यों लकड़ी की कारीगरी यहाँ पे क्यों इतनी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉलनट है और जो चिनार वुड है वो आसानी से मिल जाती है, काफी ज्यादा होती है कश्मीर में, इसलिए आसानी से अवेलेबल है। और इसमें वुड कार्विंग का मटेरियल हमें इन्हीं दो वुड से मिलता है। और इससे क्या क्या चीजें बनती हैं, फर्नीचर्स बनते हैं हमारे, ज्वेलरी के बॉक्सेस बनते हैं, फोटो फ्रेम्स बनाए जाते हैं और काफी आर्टिकल्स बनाए जाते हैं इंटीरियर डेकोरेशन के लिए। ये हमारा वुड कार्विंग था। नेक्स्ट खतम बंद भी काफी जो डिजाइन है सीलिंग्स पे किए जाते हैं। ये आर्ट है सीलिंग बनाने का। और इसमें क्राफ्टमैन क्या करता है, वो छोटी छोटी वुड यूज करता है लाइक आई हैव ड्रॉन। और इसमें नेल्स भी यूज, जो कील है साथ में इनको जोड़ने के लिए, वो यूज नहीं करता, बस इनको अटैच करता है एक दूसरे के साथ, जो लकड़ी के थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों को अटैच करता है। और ये काफी सुंदर डिजाइन दिखता है जब ये बनता है ना सीलिंग पे, रूम की सीलिंग में या कहीं पे भी, तो काफी सुंदर डिजाइन दिखता है ये। और इसमें कौन सी वुड यूज की जाती है, वॉलनट एंड डिओर्डर वुड, और ये काफी सुंदर दिखता है। ऑलराइट, इसमें नेल्स यूज नहीं किए जाते, खत्म बंद। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा है कंदकरी कॉपरवेयर। अब कॉपरवेयर के भी कुछ क्राफ्ट्समैन यूज करते हैं कॉपर के यूटेंसिल को डिजाइन करने के लिए, उसके ऊपर डिजाइन किए जाते हैं, उसके ऊपर पैटर्न किए, अलग अलग पैटर्न बनाए जाते हैं। और कंदकरी का जो फेमस वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समोवर, कश्मीरी समोवर। कश्मीरी समोवर क्या है, ये कैटल है, रशियन का ओरिजिन है, रशियन से इसको लिया गया है, टी कैटल है ये समोवर, कश्मीरी समोवर। एंड इसमें क्या बनाया जाता है, खेवा और नून चाय, ये एक चाय है ये दोनों, खेवा और नून चाय इसमें बनाई जाती है कश्मीरी समोवर में। ये भी कंदकरी कॉपरवेयर का भी है एक प्रोडक्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेपर मैशी, ये तो काफी इम्पोर्टेंट, पेपर मैशी जो है ज्यादा कौन से एरिया में की जाती है कश्मीर के, श्रीनगर, जो हमारी ओल्ड सिटी है कि श्रीनगर में। और इसमें ये जो क्राफ्ट है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में, ज़ैनुल अबिदीन ने पेपर मैशी को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें जो प्रोडक्ट है वो कौन से यूज करते हैं, पल्प ऑफ पेपर, पेपर को के पल्प को यूज किया जाता है। और उसमें एडेसिव क्या हो गया, जैसे फेविकोल या कोई ग्लू वगैरह यूज की जाती है। फिर उसको डिजाइन करने के क्राफ्टमैन ने कुछ मेटल लाइनिंग दी जाती है उसको बाद में, ब्रास क्या होता है, ये भी एक मेटल ही है, मेटल के ऊपर मेटल कवरिंग की जाती है, मेटल लाइनिंग दी जाती है, ताकि पेपर मैशी जो गुड्स हैं उसको न्यू स्टाइल में बनाया जाए। और ये काफी ड्यूरेबल है, हम कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और काफी यूजफुल होते हैं पेपर मैशी प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव विकर वर्क। विकर वर्क जो है ये भी काफी फेमस है, क्योंकि जो कश्मीर है वहां पे विलो बुशेस काफी ज्यादा पाई जाती हैं। कश्मीर की लेक्स में मार्शेस एरिया है, वहां पे काफी ज्यादा विलो की जो झाड़ियां हैं, विलो की जो वुड है वो काफी पाई जाती है। और इससे ब्यूटीफुल बास्केट्स बनती हैं, लैम्प शीट्स बनते हैं, टेबल और चेयर्स बनते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना जो हमारी बास्केट्स हैं जिसमें ऐसे क्रिस क्रॉस मैनर में जो बांस की वो जोड़ी होती हैं और ये बास्केट होती हैं, आप लैंप में भी देखेंगे, आप ये इमेज इसकी सर्च कर सकते हैं गूगल में।
और इसमें कांगड़ी, कांगड़ी तो आपने देखी है, फेमस है काफी कांगड़ी और सर्दियों में काफी काम आती है, लेकिन कश्मीरी में कुछ ज्यादा ही फेमस है ये। इसमें एक बाउल रखा जाता है जिसको किससे कवर किया, ऊपर विकर वर्क से कवर किया जाता है कांगड़ी को। और किसी भी कोई भी फैमिली जो है कश्मीर में कांगड़ी, सर्दियों में कांगड़ी के बिना नहीं रह सकती है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा है 9th इज फुलकरी। फुलकारी, फुलकारी क्या है, ये जम्मू का फेमस क्राफ्ट है। अब ये जम्मू का आ जाता है हमारा, जम्मू का जो फेमस क्राफ्ट है हमारा है फुलकारी। और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है इसमें क्या किया जाता है, फ्लावर डिजाइन किए जाते हैं। और इसमें जो डोमेस्टिक आर्ट, मतलब जो वुमेन है वो इसमें आर्ट की मतलब डिजाइंस वगैरह बनाती है, ज्यादा वुमेन ही यूज करती हैं, ठीक है, अपनी यूज के लिए फुलकारी की जाती है। ब्राइड, ब्राइड ट्रोसो, ट्रोसो क्या होता है, जो वुमेन जो है अपनी जब उसकी शादी होती है तो अपने साथ जो क्लोथ्स कलेक्ट करती है लेकर जाने के लिए, दैट इज ब्राइड्स ट्रोसो। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे जम्मू में, जो फुलकारी है उसके बिना किसी की भी वुमेन के जो ब्राइड ट्रोसो है वो इनकम्प्लीट होता है, पूरा नहीं होता है। तो इसलिए काफी इम्पोर्टेंट रोल है इसका, फुलकारी का इन जम्मू। लखा एक टेलर्ड कैप है ये, जो गुजर वुमेन, जो गुजर्स हैं उनकी जो वुमेन है और उनके जो बच्चे हैं लखा डालते हैं। नेक्स्ट इज बीना। बीना जो है ये क्राफ्ट है किश्तवाड़ का, ये किश्तवाड़ में आ जाता है जो हमारे जम्मू में ही है। एंड ये लेजर टाइम वुमेन करती हैं, इन द फ्री टाइम में करती हैं ये। इसमें क्या होता है, मैट बनाए जाते हैं इसमें, इसमें कंटेनर्स बनाए जाते हैं बीना को यूज करके, ट्रेज बनाई जाती हैं अलग अलग तरीके की, इसको अलग से फिनिश की जाती है, इसको अलग से डिजाइन किया जाता है। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट आर क्राफ्ट या आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर टुडे।